सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी आर्टिस्ट। सो आज मैं बनाने वाली हूँ गणपति बप्पा की ड्राइंग। जैसे कि आप मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी एक और सिंपल सी नई गणपति बप्पा की ड्राइंग आने वाली है, क्योंकि पिछली वाली जो ड्राइंग थी वो असल में थोड़ी ज़्यादा सी डिफ़िकल्ट थी। वैसे उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, पर फिर भी वो बहुत सुंदर भी थी पर थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो इसलिए मैंने इस समय बहुत ज़्यादा ईजी और स्टेप बाय स्टेप गणपति बप्पा की ड्राइंग बनाई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने हेड बनाया है उनका, देन उनके ईयर्स, और ये बड़े वाले गणपति बप्पा नहीं, उनका क्यूट लिटिल रूप है। इसके बाद मैंने उनका हैंड बनाया है, और इसके बाद मैं उनके हाथ में ये बहुत ह्यूज सा मोदक बना रही हूँ। अगर आप लोगों को भी मोदक खाना गणेश चतुर्थी के दिन बहुत पसंद है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट स्वीट क्या है। तो अब मैंने इनका लेग बना दिया है, और मैं दूसरी साइड पे भी सेम तरह से इनका लेग बना रही हूँ। ये तो मैंने यहाँ पर दूसरा लेग भी इनका पूरी तरह से अच्छे से बना दिया है। आप में से जिन लोगों को ड्राइंग पहले अच्छे से आती है, वो मेरी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें जो गणपति बप्पा की ड्राइंग मैंने बनाई थी, वो लोग वो वाली ड्राइंग भी बना सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। पर जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि बिना किसी जो है मेथड के, ग्रिड मेथड या ल्यूमिनस मेथड, इनके बिना वो बनाना थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा बनाया, जो बिना किसी और मेथड का यूज़ करे फ्री हैंडी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वाली ड्राइंग भी फ्री हैंडी ड्रॉ की थी, पर फिर भी वो बिगनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिगनिंग में फ्री हैंड ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर बिगनिंग में कोई मेथड ही सीख ले, जिससे आप फर्दर ड्राइंग जो है वो बहुत ईजीली उसी मेथड का यूज़ करते हुए कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। तो बातें करते करते ही मेरी ड्राइंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं गणेश जी की आईलैशेस बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं उनकी आईलैशेस बन गई, तो यहाँ पे अब मैं उनकी आईज़ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा रियलिस्टिक शेडिंग देने के लिए या फिर रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप बाद में इसे कोई भी कलर से कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, अगर आपको इसको रियलिस्टिक बनाना है। पर फिलहाल के लिए मैं इसे थोड़ा कार्टूनिश रखना ही पसंद करूँगी, क्योंकि ये की और छोटी सी ड्राइंग है, ना कि कोई मेजर रियलिस्टिक ड्राइंग। सो हमारी गणपति बप्पा की ड्राइंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैंने सोचा ये थोड़ी ज़्यादा खाली लग रही है, तो मैं इसमें इनके जितने भी जो है इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है उस सब मैं गोल्डन कलर करने वाली हूँ। साथ ही साथ इनके जो है इनके माथे पे जो तिलक लगा है उसमें भी मैं गोल्डन कलर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें फुल भी कलर कर सकते हैं, या फिर आप रियलिस्टिक लुक देने के लिए पेंसिल कलर्स का यूज़ करके भी बस हल्की हल्की कॉर्नर्स पे या फिर एजेस पे शेडिंग देंगे, तो उससे भी अंदर का पार्ट अपने आप लाइट शेडिंग लगेगा और बाहर का डार्क, जिससे उसका रियलिस्टिक लुक आएगा। तो यहाँ पे अब मेरा जब पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमने गोल्डन कलर भी पूरी अच्छी तरह से कर दिया है। इसके बाद मैं बस एक और चीज़ करते हुए लाइट पिंक कलर से थोड़ी सी मैंने शेडिंग दी है। सो ओके, हमारी गणपति जी की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर नॉट न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।